ऑनलाइन एजुकेशन में सभी लोगों का स्वागत है। मैं कोजारा, सब्जेक्ट इंग्लिश, टॉपिक आज पढ़ेंगे पैसिव वॉइस, जो इंग्लिश का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। पैसिव वॉइस के रूल्स क्या होते हैं, एक्टिव से पैसिव में बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जब किसी भी वाक्य में अगर कंपोजिशन में वाक्य बनाते हैं उसमें अगर सब्जेक्ट का अभाव होता है तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के वाक्य को पैसिव में ले जाते हैं। स्पोकन इंग्लिश में अधिकतर सेंटेंस पैसिव में बोले जाते हैं। पैसिव के रूल्स रूल्स फर्स्ट, ट्रांजेस्टिव वर्ब वाले वाक्यों में पैसिव नहीं बनता है। जैसे एक्सरसाइज के रूप में प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, अगर इस टेंस में अगर वाक्य आया हुआ है तो उसका पैसिव नहीं बनेगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसमें अगर सेंटेंस आया तो उसका भी पैसिव नहीं बनता है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसको भी पैसिव में नहीं ले जाया जाता है। और फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस टेंस, तीनों टेंसों का फोर्थ नंबर का और फ्यूचर का सेकंड नंबर का, इन चार टेंसों के पैसिव नहीं बनते। इन टेंस का पैसिव नहीं बनता है। रूल्स नंबर सेकंड, एक्टिव से पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट से पहले प्राय बाय का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर, ही रोट ए लेटर, उन्होंने एक पत्र लिखा। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे, सेकेंड रूप को वाच वर्ब के साथ कन्वर्ट करेंगे। ये कैसे सेकेंड रूप को वाच वर्ब के साथ थर्ड में कन्वर्ट करते हैं, इसको आगे विस्तार से बताएंगे। वाच वर्ब सिंगुलर है तो वाच आ जाएगा, क्रिया का थर्ड रिटर्न हो जाएगा, ही को पीछे ले जाएंगे, हिम हो जाएगा, उससे पहले बाय का प्रयोग किया जाएगा। रूल्स नंबर थर्ड, पैसिव बनाते समय प्रोनाउन को निम्न प्रकार से बदलते हैं। अगर सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाते समय कौन कौन से सब्जेक्ट है जो चेंज होते हैं। सब्जेक्ट अगर आ जाए आई, तो ऑब्जेक्ट बनाते समय मी और मी को सब्जेक्ट आई बनाते हैं। वी को अस, अस को वी, यू को यू, यू को यू, ही को हिम, हिम को ही, सी को हर, हर को सी, दे को देम, देम को दे, हु को हुम, हुम को हु। ये केवल सात ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो चेंज होते हैं, बाकी के जो सब्जेक्ट आते हैं वो वैसे ही रहते हैं, चेंज नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, दे हेल्प अस, उन्होंने हमारी मदद की, अस का सब्जेक्ट बनाएंगे। वी क्रिया का फर्स्ट रूप है, जे मार के साथ थर्ड हो जाएगा। और दे को बाई दे में आवश्यकता नहीं होती है, और नहीं तो क्या आता है कि बाई दे बनाते हैं। इस तरह से ये इनके रूप चेंज होते हैं। रूल्स नंबर फोर, पैसिव बनाते समय क्रिया को निम्न प्रकार से बदलते हैं। अभी मैंने बताया था फर्स्ट रूप है इजे मार में, कैसे बदलते हैं, ये फर्स्ट रूप है इजे मार में कन्वर्ट हो गया था। सेकेंड रूप है वो वाच वर्ब में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से ऑलरेडी पहले से इजेमार या वाजवर के साथ आई एन जी आता है तो इजेमार आता है, तो इजेमार ही वापस यूज को होगा, वाजवर आएगा तो वाजवर यूज होगा, लेकिन नया वर्ड लगेगा बी और क्रिया का थर्ड रूप होगा। ऐसे ही हैव और हैज के साथ थर्ड या हेड के साथ थर्ड आता है तो हैव और हैज वापस लगाते हैं या हेड वापस लगाते हैं और नया वर्ड बीन लगाते हैं और क्रिया का थर्ड रूप लिखते हैं। विल और शैल या कैन, मे, मस्ट या शुड कोई मॉडल आता है तो वापस वही मॉडल यूज किया जाता है, नया वर्ड बी आता है, क्रिया का थर्ड आता है। इसमें एक नोट डाल रहे हैं, पैसिव बनाते समय सही क्रिया अगर डू और डज को कर्ता के अनुसार इजे मार में बदल देते हैं, लेकिन डिड को वाज वर्ब में बदल देते हैं। ही डज नॉट लाइक टी, इसमें सी सब्जेक्ट है, डज नॉट है हेल्पिंग वर्ब है, लाइक क्रिया है, टी को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, डू डज को इजे मार में कन्वर्ट कर देते हैं, वो नेगेटिव वाक्य होता है तो वापस नॉट आता है, क्रिया का थर्ड आता है, सी को पीछे ले जाते हैं, बाय हर होता है। आई डिड नॉट ब्रेक दिस टेबल, दिस टेबल ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, डिड नॉट को वाज वर्ब लगा देंगे, नोट का नोट हो जाएगा, ब्रेक का ब्रोकन हो जाएगा, बाई मी। दे हैव विजिटेड द सर्कस, सर्कस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, दे को देम बना देंगे, हैव और हैज में से वापस यूज करेंगे, नया वर्ड बीन लगाएंगे, क्रिया का थर्ड रूप लिखेंगे। मोहन वॉश्ड दिस शर्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, मोहन को ऑब्जेक्ट बना देंगे, वह सेकेंड रूप है तो वाज वर्ब के साथ थर्ड में कन्वर्ट कर देंगे। सी इज कुकिंग फूड इन द किचन, सी सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, कुकिंग वर्ब है और फूड ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे, इज एम आर वापस लगा देंगे, नया वर्ड बींग लगा देंगे, क्रिया का थर्ड लगा देंगे, फिर बचा हुआ इन द किचन और फिर सब्जेक्ट को पीछे ले जाएंगे, बाई हर। आई हैव लॉस्ट ए वॉच को सब्जेक्ट बना देंगे, हैव और हैज में से वापस ले यूज करेंगे, क्रिया का थर्ड रूप लगाएंगे, लॉस्ट का तीसरा रूप ऑलरेडी लॉस्ट है, आई का बाई मी। दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, दे सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब प्लेइंग है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, इज एम आर वापस लगा देंगे, बींग यूज करेंगे, नया वर्ड क्रिया का थर्ड रूप लगाएंगे, पीछे बचा हुआ इन द ग्राउंड और सब्जेक्ट को पीछे ले जाएंगे, बाय देम। वी कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, वी को अस बना देंगे, कैन का कैन लगाएंगे, नया वर्ड बी लगाएंगे, क्रिया का थर्ड रूप लगाएंगे। रवि इज
आयरनिंग द क्लोथ इन दिस रूम, सभी सब्जेक्ट है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, आयरनिंग वर्ब है, द क्लोथ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, इज एम आर सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग लगेगा, क्रिया का आई एन जी आया तो नया वर्ड बींग लगेगा, क्रिया का थर्ड रूप लगाएंगे और सब्जेक्ट को पीछे ले जाएंगे, बाई रवि, और बच्चा पीछे भी लगा सकते हैं, उससे पहले भी लगा सकते हैं। दे सा एलोइन इन द फॉरेस्ट, एलोइन को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, सा सेकंड रूप है तो वाजवर के साथ थर्ड लगा देंगे, फिर बचा हुआ सेंटेंस इन द फॉरेस्ट लगा देंगे, दे का बाई देम बना देंगे। नेक्स्ट पेज, यू शुड रेस्पेक्ट द एल्डर्स, द एल्डर्स ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, शुड गो शुड लिखेंगे, नया वर्ड बी लगाएंगे, क्रिया का थर्ड रेस्पेक्ट रेस्पेक्टेड कर देंगे, सब्जेक्ट यू को बाई यू में। द टीचर टॉट इंग्लिश इन द क्लास, इंग्लिश को सब्जेक्ट बना देंगे, सेकेंड रूप वाजवर लगा देंगे, क्रिया का थर्ड रूप लगा देंगे, बाई टीचर्स इन द क्लास। रूल्स नंबर फिफ्थ, यदि कर्ता के बाद इस टू एम टू आर टू और वाज टू वर टू हैव टू हैज टू हैड टू यूज टू ओ टू या गोइंग टू आया हुआ है तो पैसे बनाते समय टू के बाद बी और क्रिया का थर्ड रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज टू हेल्प मी, ही सब्जेक्ट है, इज आया हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ टू आया हुआ है, हेल्प और मी, मी को आई बना देंगे, इस टू आया तो वापस आई के साथ लगा देंगे, एम टू को टू लगा देंगे, नया वर्ड बी लगा देंगे, क्रिया का थर्ड रूप ही को पीछे ले जाएंगे। वी हैव टू अटेंड द क्लास को सब्जेक्ट बना देंगे, हैव टू हैज टू आता तो हैव टू हैज टू वापस लगा देंगे, नया वर्ड बी, क्रिया का थर्ड रूप लगा देंगे, अटेंडेड बाई अस। वी ओ टू ओबे योर टीचर्स को सब्जेक्ट बना देंगे, ओ टू को ओ टू वापस लगा देंगे, नया वर्ड बी लगा देंगे, क्रिया का थर्ड रूप लगा देंगे, वी को बाई अस बना देंगे। रूल्स नंबर सिक्स, यदि वन आया, सम वन या सम बडी या एवरी वन या एवरीबडी, नो वन नन नो बडी या पुपिल आया बात आदि अनिश्चित कर्ता को ऑब्जेक्ट के रूप में रखने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे नो वन और नन और नो वन को हटाते समय या समाप्त करते समय सहायक क्रिया के बाद नोट का प्रयोग किया जाता ताकि वाक्य नेगेटिव बना रहे। पुपिल लाइक क्रिकेट, लोग क्रिकेट पसंद करते हैं, क्रिकेट को सब्जेक्ट बना दिया, पहला रूप इजे मार लगा दिया, क्रिया का थर्ड रूप लगा दिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड कौन पसंद करते हैं, सीधा इस काम से ही क्रिया का पता लग जाता है, तो ऐसे सब्जेक्ट को बाई में लगाने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए बाई पुपिल नहीं लगाया। समवन हैज स्टोलन माय बुक, में किसी ने मेरी बुक चुरा ली है, किसने चुराई निश्चित नहीं है, माय बुक सब्जेक्ट बन जाएगा, हैव लगा देंगे, हैज वापस लगा देंगे, क्रिया का थर्ड रूप लगा देंगे, क्रिया का नया वर्ड बी लगा देंगे, क्रिया का थर्ड रूप लगा देंगे, बाई समवन लगाने की आवश्यकता नहीं है। नो वन हेल्प्ड मी, किसी ने मेरी सहायता नहीं की, आई वाज सब्जेक्ट मी को आई बना दिया, सेकेंड रूप है तो वाजवर के साथ थर्ड लगा दिया, तो वाजवर लगा दिया, थर्ड लगा दिया, नो वन को हटाते समय नोट का प्रयोग किया जाता है। यदि कर्ता दे यू वी आदि अनिश्चित व्यक्ति के लिए आया है तो इसे ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये अनिश्चित कर्ता होते हैं। दे लाइक फिल्म्स, वे फिल्म को पसंद करते हैं, तो फिल्म सब्जेक्ट बना देंगे, पहला रूप इजे मार लगा देंगे, क्रिया का थर्ड लगा देंगे, बाई देम लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वी यू दे बाई में नहीं जाते। रूल्स नंबर एट, यदि क्रिया से ही कर्ता का पता लग जाता है तो ऐसे कर्ता को भी ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं रखना चाहिए। द फार्मर आर प्लोइंग द फील्ड्स सब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट को इजेमार लगा देंगे, कि नया वर्ड बींग लगा देंगे, क्रिया का थर्ड रूप लगा देंगे, क्योंकि ये काम किसके द्वारा किया जाता है, क्रिया से ही कर्ता का पता लग जाता है, खेत जोते जा रहे हैं किसके द्वारा, भाई फार्मर लगाने की जरूरत नहीं। उसी तरह से जूतों की मरम्मत की जा रही है, बाई कोबला लगाने की जरूरत नहीं है। बाल काटे गए किसके द्वारा, नाई के द्वारा, भाई बार बार लगाने की आवश्यकता नहीं है। रूल्स नंबर नाइन, यदि क्रिया के दो ऑब्जेक्ट हो उनमें से सिर्फ एक को ही सब्जेक्ट बनाया जाता है, ही गेव उसने दिया, क्या दिया, मी मुझे दिया, ये बुक दिया, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सेकेंड ऑब्जेक्ट है, इसको प्राइमरी ऑब्जेक्ट कहते हैं, इसे सेकेंडरी ऑब्जेक्ट कहते हैं। मी को आई बना देंगे, सेकेंड रूप एडवाइजर लगा देंगे, क्रिया का थर्ड रूप लगा देंगे, ये बुक लगा देंगे, बाई ही को हिम लगा देंगे। इसका दूसरा तरीका है, ए बुक को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, क्रिया का सेकंड है तो वाजवर के साथ थर्ड लगा देंगे, लेकिन आपने पहले प्राइमरी ऑब्जेक्ट की अवेल ना की है, उसको महत्व नहीं दिया, तो उसको इंपॉर्टेंस देने के लिए टू से जोड़ेंगे और बाई हिम लगाएंगे। यदि क्रिया का ऑब्जेक्ट एक पूरा उपवाक्य है तो पैसिव बनाते समय शुरू में इट लिख क्रिया को पैसिव में बदल देते हैं और फिर उपवाक्य को जोड़ देते हैं। दे से वे कहते हैं, दैट मिल्क इज गुड, दूध अच्छा है, फॉर हेल्थ स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, इतना बड़ा सेंटेंस है, दे सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और इसे पूरा ऑब्जेक्ट है, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट आता है तो उसका सब्जेक्ट इट बनाया जाता है, पहला रूप है इजे मार लगाया जाता है, क्रिया का थर्ड से का सेट लगाया जाता है, डेट के बाद वाक्य को वैसा जोड़ा जाता है। पुपिल बिलीव, लोग विश्वास करते हैं, डेट गॉड इज एवरीवेयर, भगवान सब जगह, लोग सब्जेक्ट है, विश्वास करना बिलीव है, और इतने बड़े सेंटेंस ऑब्जेक्ट है,
ऑब्जेक्ट इतना बड़ा होता है तो सब्जेक्ट इट बनाते हैं, फर्स्ट रूप है इजी मार के साथ थर्ड लगाते हैं, इज बिलीव देट, देट के बाद वाक्य को वैसा वैसा लिखा जाता है गॉड इज एवरीवेयर। रूल्स नंबर 11, यदि क्रिया के बाद टू और क्रिया का फर्स्ट रूप आया है तो पैसिव बनाते समय टू और फर्स्ट के ऑब्जेक्ट को टू से पहले रिकर टू के बाद बी प्लस क्रिया का थर्ड रूप रखा जाता है। ही लाइक्स में पसंद करते हैं टू प्ले फुटबॉल, ये दो क्रिया है, लाइक्स क्रिया है दूसरी प्ले, एक ही वाक्य में दो क्रिया आती है तो कैसे बनाते हैं, तो पहली क्रिया तक वाक्य को वैसे वैसे रखा जाता है, टू से पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, टू वापस लिखा जाता है, बी लिखा जाता है क्रिया का थर्ड रूप। आई वॉन्ट टू बाई ए कार, आई सब्जेक्ट है, वॉन्ट क्रिया, दूसरी क्रिया बाई ए बुक, तो पहली क्रिया तक वाक्य को वैसे रखा जाता है आई वॉन्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे टू से पहले ए बुक, टू वापस लिखेंगे क्रिया, नया वर्ड भी लगाएंगे, क्रिया का थर्ड रूप लगाएंगे। थैंक यू। अभी हमने चैप्टर पढ़ा था पैसिव वॉइस, ऑडियो में पढ़ा था, अब वीडियो में एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है वाक्य, जब वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता कंपोजिशन बनाया जाता है तो उसमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के पैसिव में लिखते हैं वाक्य, पैसिव के अपने रूल होते हैं कि एक्टिव से पैसिव में वाक्य कैसे बनाया जाता है। एक्टिव से पैसिव बनाते समय हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये जनरल चीज है। जैसे सेंटेंस है आई लाइक फुटबॉल, इसमें आई सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है और ऑब्जेक्ट फुटबॉल है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे फुटबॉल इधर आ जाएगा, क्रिया का फर्स्ट रूप है, इजी मार के साथ थर्ड भी कन्वर्ट होता है, आई को ऑब्जेक्ट बनाने से पहले बाई लगाते हैं, आई का मी होता है। आई का मी कैसे बना, फुटबॉल फुटबॉल क्यों रहा, इसमें एक्टिव से पैसिव बनाते समय सात प्रोनाउन होते हैं जो एक्टिव से पैसिव और बनाते समय चेंज होते हैं। अगर वो सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है, अगर आई और ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो मी बनाते हैं, मी अगर ऑब्जेक्ट आया तो सब्जेक्ट आई बनाते हैं, वी का अस बनाते हैं, अस का वी बनाते हैं, दे का दे बनाते हैं और दे का दे बनाते हैं, ही का हिम बनाते हैं और हिम का ही बनाते हैं, सी का हर और हर का सी बनाते हैं, यू का यू और यू का यू, हु का हुम और हुम का हु, ये आपके साथ ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो एक्टिव से पैसिव बनाते समय बदलते हैं। अब क्रिया का फर्स्ट रूप है वो इसी बार में कैसे कन्वर्ट हुआ, सेकंड वाज में कैसे कन्वर्ट होते हैं उसकी एक टेबल है। वाक्य अगर एक्टिव में है तो पैसिव बनाते समय हम क्रिया को निम्न प्रकार से बदलते हैं, अगर क्रिया का फर्स्ट रूप आया है उसको विजय मार के साथ थर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, अगर सेकंड रूप आया है तो वाक्य के साथ थर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। बाकी सेंटेंसों में जिसमें ऑलरेडी वर्ब आएगी ही इज प्लेइंग चेस, वे चेस खेल रहे हैं, ये सब्जेक्ट है, ये एक्टिव वर्ब है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, चेस को उन साथ में काउंटिंग नहीं है तो चेस चेस ही रहेगा, ही की साथ में काउंटिंग है तो पीछे बाई जाके ही का ही बन जाएगा। हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है तो आपका काम है जिसमें हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है और अब तो उसमें नया वर्ड बी लगता है, बी को बी रखना है, बी में आई जी लगाना है या थर्ड करना है, ये क्रिया पे डिपेंड करता है, क्रिया का यहाँ पर फर्स्ट रूप है तो बी लगाएंगे, क्रिया में आई जी है तो इसमें भी आई जी लगा देंगे, क्रिया का थर्ड रूप है इसको बी कर देंगे और क्रिया का थर्ड रूप लगा देंगे। तो इसका मीन है कि हमें जिसमें हेल्पिंग वर्ब है उसमें नया वर्ड लगाना है, नया वर्ड लगाने का तरीका है अगर उसमें क्रिया का पहला रूप आया है तो आप बी लगाएंगे, क्रिया में आएंगी आई है तो बी में भी आएंगी लगा देंगे, क्रिया का थर्ड रूप आया है तो आप नया वर्ड बी लगा देंगे। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, सी हैज कुक्ड फूड, उन्होंने भोजन बनाया लिया है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे,
सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब हैज है, फूड वर्ब है और फूड ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, फूड फूड ही रहेगा, फिर उसकी पार्टिकल 7 में नहीं है। है और हैज वापस आएगा, है और हैज जिसमें ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है तो क्रिया देखी जाती है, क्रिया के आधार पर नया वर्ब बनता है। बी लगाएंगे फर्स्ट रूप होगा तो बी लगाएंगे, क्रिया में आएंगे होगा थर्ड रूप होगा बी लगाएंगे, इसमें भी बी लगेगा। क्रिया का थर्ड ऑलरेडी थर्ड है, सब्जेक्ट को पीछे लगाएंगे बाई सी का हर होता है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, उससे पहले बाय का उपयोग किया जाता है। आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकता हूं, मेरे अंदर ये क्षमता है। आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। दिस प्रॉब्लम हेल्पिंग वर्ब आई में कैन ऑलरेडी ओके। अब जब पहले से कोई भी हेल्पिंग वर्ब आई में क्रियावाच भी लगा है, अगर क्रिया का पहला रूप है बी रखे, अगर क्रिया में आएंगे होते बी कर देते, क्रिया का थर्ड होता तो बी कर देते, तो इसमें बी। क्रिया का थर्ड सॉल्व, सॉल्व का सॉल्व, आई का मी। इस तरह से क्रिया को कैसे चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते समय प्रोनाउन को किस तरह से चेंज करते हैं, ये चीज अपन ने अच्छी तरह से सीख ली। नेक्स्ट, एक्टिव से पैसिव बनाते समय ऐसे कौन कौन से रूल्स होते हैं, विशेषकर नंबर वन, यदि किसी वाक्य में इस टू एम टू आर टू वास टू वर्ब टू हैव टू हैज टू आया हुआ है, हैव टू हैज टू Had to, going to, तो वाक्य को कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट लिखा हुआ ही इज टू प्ले मैच या चेस, किसी मैच का नाम लिखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, चेस का चेस ही रहेगा। ये इज आया जब भी किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ इस टू एम टू आर टू वास टू वर्ब टू हैव टू हैज टू हैड टू गोइंग टू ओर टू, तो टू वापस लगाते हैं, नया वर्ड भी लगाते हैं, ये नया वर्ड लगाते हैं पैसे बनाते समय। क्रिया का थर्ड रूप रखा जाता है प्ले, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है ही का हिम। रूल्स नंबर फर्स्ट क्लियर, सेकंड यदि किसी वाक्य में सब्जेक्ट वी यू और दे आया है तो इनको अनसर्टेन सब्जेक्ट माना जाता है और इनको पैसिव में रखने की आवश्यकता नहीं रहती है। वी टॉट हर, मैंने उसको सिखाया, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है टॉट वर्ब है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। सी क्रिया का सेकेंड रूप है तो वाज वर्ब के साथ थर्ड लगाएंगे, सब्जेक्ट भी एक बाय में लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि काम हो गया, आपका वर्क हैज बीन डन, बाय काम होना चाहिए, किसने किया इंपॉर्टेंट नहीं है। वी टॉट हर, हमने उनको सिखाया, उसको सिखाया गया, इसके द्वारा सीखना इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, इसमें वी यू और दे को अनसर्टेन सब्जेक्ट मानते हैं, इसके बाय में लगाने की आवश्यकता नहीं है। रूल नंबर थर्ड, यदि किसी वाक्य में सब्जेक्ट समवन आ जाए, एवरीवन आ जाए, एवरी बॉडी आ जाए, सब बॉडी आ जाए या नो वन आ जाए, नो बॉडी आ जाए या नन आ जाए, तो इसको भी बाय में रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये भी अनिश्चित करता होता है। समवन हैज स्टोलन My watch, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली, इसमें ऑब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट, समवन, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, my watch है और एज में से लगाएंगे वापस एज, नया वर्ड लगाएंगे बी, क्रिया का थर्ड स्टोलन, अभी इंपॉर्टेंट नहीं है किसने चुराई, समवन, ये निश्चित करता होता है, पीछे लगाने की आवश्यकता नहीं होती। और यदि इसमें सब्जेक्ट नो वन होता, नेगेटिव, तो
इस वाक्य को नेगेटिव बनाने के लिए एक्टिव वर्ब के बाद नोट का प्रयोग किया जाता है। रूल्स नंबर से थर्ड क्लियर। यदि वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस या फ्यूचर का कंटीन्यूअस में आया हुआ है, तो ऐसे वाक्य को पैसिव में नहीं बनाया जाता है। रूल नंबर फोर। रूल नंबर फाइव। यदि वाक्य नेचुरल ट्रुथ का है या यूनिवर्सल ट्रुथ का है, ऐसे वाक्य को भी पैसिव में नहीं ले जाया जाता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में निकलता है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। उसी तरह से नेचुरल ट्रुथ है, रोज स्मेल्स स्वीट। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये देखना है कि वाक्य कैसा है। नेचुरल ट्रूथ है कि रोज है, वो कैसी स्मेल देता है, स्वीट मीठी महक देता है, तो इसका पैसिव सेम ऐसे ही बनेगा, अर्थात पैसिव उसका नहीं बनाते। यदि वाक्य इंट्रोगेटिव में दे दिया तो पैसिव बनाने का तरीका है आई केयर, सॉल्व दिस सम, मैं इस सम को सॉल्व कर सकता हूँ। ये हेल्पिंग वर्ब के लिए आ गया, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सबसे पहले नहीं सब्जेक्ट के नीचे बनाएंगे, क्योंकि वाक्य इंट्रोगेटिव का है, तो हमें इंट्रोगेटिव में ही रखना है। हमारा काम है केवल एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना। ये वाक्य जो दिया हुआ है वो एक्टिव है, हम जो कन्वर्ट कर रहे हैं वो पैसिव है। हेल्पी वर्ब जो जहाँ आई है वही लगाएंगे, कैन, नया वर्ड बी, क्रिया का थर्ड, सॉल्व पीछे ले जाएंगे सब्जेक्ट को, तो बाय आई का भी अभी भी इंट्रोगेटिव है। हु रॉट नेशनल एंथम, राष्ट्रगीत किसने लिखा, क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है आपसे, पूछा जा रहा है एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करो। सब्जेक्ट होता किसमें होता है, ये क्वेश्चन वर्ड वर्ड और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे। नेशनल एंथम एल्पे वर्ब नहीं है, मानो क्रिया का सेकंड मूवमेंट वाक्य के साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले लगता है। क्रिया का थर्ड रिटर्न, ये क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड को क्वेश्चन वर्ड की जगह भी रखना होता है, और इसमें ये देखा जाता है अगर सब्जेक्ट होता है लेकिन नॉट इक्वल टू इसमें होता तो इस हु को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बाय हुम लगाते हैं, पीछे लगाना चाहिए लेकिन आगे इसलिए लगाते हैं, इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रखना है। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कुछ सेंटेंस ऐसे इंट्रोगेटिव में होते हैं जो विशेष होते हैं सेंटेंस है। एग्जांपल के रूप में हाउ मेनी स्टूडेंट प्लेड द मैच, कितने विद्यार्थियों ने मैच खेला। ये क्वेश्चन वर्ड है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, यहाँ का मैच। क्रिया का सेकंड रूप में वाज का लगाएंगे, मैच से पहले लगाएंगे सिंगुलर तथा वाच। क्रिया का थर्ड प्ले, हाउ मेनी को हाउ मेनी के जरिए रखेंगे। स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन वर्ड होते हैं जो अपने साथ आने वाले नाउन को छोड़ते नहीं। हाउ मेनी, हाउ मच और विच ऐसे क्वेश्चन वर्ड है जो अपने साथ आने वाले प्रोनाउन को छोड़ते नहीं है, तो ये स्टूडेंट भी यही रहेगा। लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट बनाना था, इसलिए वाई का प्रयोग हाउ से पहले कर लिया जाता है, एच वापस स्मॉल में करते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वॉच द मैच प्लेड और क्वेश्चन मार्क। अगर एक्टिव से पैसिव बनाते समय कैटेगरी इंपरेटिव आ जाए, अभी जो हमने सीखी थी वो इंट्रोगेटिव, तो हम कैसे बनाते, ओपन द
विंडो। इंपरेटिव सेंटेंस में वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता, सीधा वाक्य वर्ब से स्टार्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट है। जो वाक्य वर्ब से स्टार्ट होता है और जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता वो वाक्य इंपरेटिव होता है। एक्टिव से पैसिव बनाते हैं सब्जेक्ट, ये वाक्य एक्टिव में हम पैसिव बनाते हैं, तो हम इसको लेट और बी से बनाते हैं। लेट ब्लैंक बी ब्लैंक, ये ब्लैंक है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। ऑब्जेक्ट हमारे पास है ये सब्जेक्ट, ये क्रिया के थर्ड रूप के लिए क्रिया हमारे पास है। ओपन का तीसरा हो जाएगा ओपन, सेंटेंस का ओपन द विंडो पैसिव बन गया, लेट द विंडो बी ओपन, एक तरीका। दूसरा तरीका है गो आउट एट नाइट, रात्रि में बाहर मत जाओ। इसमें गो वर्ब है और ये स्थान है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसमें लेट वाला नियम नहीं चलता, क्योंकि लेट वाला नियम चलाने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। ऐसे सेंटेंस में हम हमारी तरफ से शुरू में स्टार्टिंग में जोड़ते हैं यू आर ऑर्डर्ड टू, ये अपनी तरफ से लगाते हैं, बाकी का सेंटेंस जो यूज करा जाता है गो आउट एट नाइट। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव होता डोंट गो आउट, तो नेगेटिव बनाने के लिए टू से पहले हम नोट का उपयोग कर लेते। नेक्स्ट तरीका यू आर फॉरबिडन अब टू, ये आपको अपनी तरफ से लगाना, बाकी का नोट को छोड़ के यू बाई यू आई के बता देते हैं गो आउट एट नाइट, इसका मतलब हमें रात्रि में बाहर जाने के लिए मना किया गया है। अगर इसमें भी नेगेटिव सेंटेंस होता है तो बी से पहले नोट लगा देते हैं, डोंट ओपन द विंडो, लेट द विंडो या नोट बी ओपन लगा देते हैं। इस तरह से हम पैसिव सीखते हैं। थैंक यू।